साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर आचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि बड़ी खेरमाई मंदिर में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका वाचन पंडित अभिषेक चौबे के द्वारा किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा निकालकर किया गया। कलश यात्रा में क्षेत्र की महिलाओं एवं बालिकाओं ने कलश धार्मिक लाभ प्राप्त किया, साथ ही भक्तगणों का काफ़ी उत्साह देखने को मिला। साथ ही उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में जीत जांगड़े का प्रमुख सहयोग रहा। MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बेन की रिपोर्ट। जी महाराज, बताएं आज का जो ये भगवत पुराण का कार्यक्रम किया गया है, इसका नाम बताइए। आज पहला प्रथम कथा करवाने जा रहा हूँ, वो भी हमारे जीत जांगड़े जी जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे मैंने निवेदन किया कि आज माँ भक्ति माँ भगवती के प्रांगण में आपकी कथा हो जाए और मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करी, मैं माँ भगवती मेरी बड़ी कृपा करी माँ भगवती ने, ऐसे माँ भगवती सब पर कृपा करें, जो कि आज कन्हैया जी साक्षात माँ भगवती प्रांगण में आए हुए हैं। और मैं तो बाकी बिहारी से ऐसे निवेदन करूँगा कि मेरे प्रभु सब पर ऐसी कृपा बनाए रहें जैसी मुझ पर बनाई है, ऐसी सब पर बनाए। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए आपने कुछ चंदा किया था क्या? मेरी एक बड़ी इच्छा थी, मैं महात्मा भगवती की प्रांगण में भागवत का आयोजन करूँ, लेकिन माँ भगवती ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी। मैंने श्रीमान दीप जांगड़े जी से बोला, आग्रह किया कि आप श्रीमद् भागवत करा दीजिए, उन्होंने मेरी बात कर डाला और बड़े उत्साह के साथ बोला, महाराज जी यदि आपकी आज्ञा है तो भागवत जरूर होगी। उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की। यह भागवत कितने दिनों तक चलेगी? ये सप्ताह मतलब पूरा 7 दिन चलेगी। पंडित जी, हमारे सुनने में आया था कि ये भागवत शुरू होने से पहले आप लोगों को बहुत सारी बाधा का सामना करना पड़ा। तो ऐसा रहता है कि भगवान जब विश्वामित्र जी गए थे तो राम लक्ष्मण को ले गए, तो बातों अच्छे काम में बाधाएं तो उत्पन्न होती है, ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन नहीं, आप हिम्मत नहीं हारिए, ऐसा नहीं है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा और मोह कपट चल शत्रु भावा। यदि आपके मन में विचार अच्छे हैं और भाव अच्छे हैं, परमात्मा आपका पर हमेशा साथ देगा। मैं ये भगवती प्रांगण में बोलता हूँ और सच्ची वाणी से बोलता हूँ, आपका हर कार्य सिद्ध होगा। ये मेरे कन्हैया जी हर आदमी के, हर व्यक्ति, हर माताएं बहनों की इच्छा पूरी करेंगे, ये मेरा कहना है। आप एक बार बोलो तो जहाँ बुलाएंगे। द्रौपदी की लाज मिली, उन्होंने आकर के चीर हरण हो रहा था, वहाँ चीर की ढेर लगा दी थी। मेरे कन्हैया बड़े दयालु हैं, आप एक बार बुलाइए तो जहाँ बुलाएंगे वहाँ आएंगे, मेरा वादा है। महाराज, आपका नाम? दिनेश शर्मा।